उठ जाओ, 12 बज गए हैं। सच्ची मजाक नहीं, नहीं यार 12 बज गए हैं यार। वाकई यार? हाँ जी 12 बज गए हैं। उठो, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, मैं सही बोलते हैं। उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। वो चीरी का वो बास हुए अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 9 बजे का टाइम है। अभी हम लोग उठकर ऊपर छत पर आए हैं और चेक करें छोटी छोटी बारिश की बूंदें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। मेरे अल्लाह का घर देखे कितना प्यारा लग रहा है। अनीब, बिलावल और असद के काम चेक करें, सुबह सुबह कार्टून देख रहे हैं। मामू का मोबाइल ला करना, इन तीनों ने बैटरी खत्म कर दी। मामू जान गुस्से हो रहे थे और अपना मोबाइल ले गए हैं। अभी सबसे पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ते में हमारे पास बीफ और साथ रोटी। मैं और मामू इकट्ठा मिलके खाएगा, मिलके खाएगा। बहुत ज्यादा बादल बन चुके हैं, ये चेक करें। ऐसा मौसम मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, ऐसे बादल। टाइम हो रहा है इस वक्त 3:14, सुबह की नॉन स्टॉप हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो सुबह के घर से बाहर नहीं निकले, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सियालकोट। आप सबको याद होगा हमारी रानी, हमारी कार खराब है, सियालकोट ठीक होने के लिए जी थी। सियालकोट जाके पता करते हैं कि हमारी रानी ठीक हुई है कि नहीं हुई। दुआ करें ठीक हो गई हो। वो एक गाड़ी पीछे कर दी। माशाल्लाह आज मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। सिटी हम लोग पहुंच गए हैं, वर्कशॉप में हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारी रानी नहीं दिखाई दे रही। ये रही जी हमारी रानी। वही रानी तो सारी खोली हुई है। ओ वाह, रानी का तो सारा अंडर पेटा निकाला हुआ है। लगता है अभी रानी नहीं ठीक हुई। अभी पता करते हैं क्या बना है इसका। यार काम खराब हो गया है। रानी का जो सिस्टम है ना सारा, वो सारे का सारा चेंज होगा, कंप्यूटर सिस्टम। 1,00,000 रुपया खर्चा आएगा, पूरा 1,00,000। मैं पैसे बचा रहा हूँ, आगे शादी आ रही है और इधर रानी पैसे लगवा रही है। रानी कुछ शर्म कर ला, शादी के बाद पैसे लगवा लेना। 1 महीना और लेट करवाएगी ये रानी मेरी शादी। चले कोई नहीं, देखते हैं फिर क्या बनता है। 1,00,000 रुपया खर्चा बता दिया उन्होंने इसके ऊपर आएगा सब कुछ चेंज करने का। हाय नहीं रानी, हम लोग अपनी रानी को लेने आए थे। तो इधर ना मेरा एक ख्वाब पूरा हो गया है। मेरा ख्वाब था कि ओडी के ऊपर बैठना है एक बार जिंदगी में। मैंने काफी ज्यादा ओडी के बारे में सुना हुआ था कि बहुत प्यारी गाड़ी है, इसके अंदर ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो ये दोस्त है हमारे, मैंने इन्हें कहा यार इधर ओडी खड़ी, मुझे ओडी के अंदर बैठना है। तो इन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आओ बैठते हैं। तो अभी इस वक्त मैं ओडी के अंदर बैठा हुआ हूँ। माशाल्लाह आप लोग चेक करें, ओडी का मीटर इस वक्त आना है। आप लोग देखें 300 किलोमीटर की स्पीड पे भागती है ये ओडी। हमारी रानी सिर्फ कितनी स्पीड में भागती है? मेरे ख्याल से 240 का, 240-50 हाँ इतना भागती है। और ये ओडी भागती है 300 की स्पीड पे। अभी दूसरा लड़का आ गया, भाई को ना काम था, वो चले गए हैं। अब मुझे ना आपने इसके फ्यूचर वगैरह सब कुछ बताना है। ठीक है स्टार्ट करूं? करें स्टार्ट। ये जी ओडी स्टार्ट हो गई है। माशाल्लाह साउंड कैसा है इसका? जापानी है ना? जापानी जी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछना, आपको काम है तो मुझे बस थोड़ा बहुत पूछना है।
माशाल्लाह, इसका क्या क्या काम है? ये लाइट है ना, वो ये जली कैसे? इसको ऊपर बस हाथ रखना है जी। वो इस टच है ना, टच बस टच है, अब टच करें लाइट जल जाएगी। वाह, ये तो कमाल की चीज है। ये क्या चीज है? ये इसके अंदर वो रखते हैं ग्लास वगैरह, चाय वगैरह रखते हैं। अच्छा, पूरा सिस्टम है। ये क्या इधर? ये लाइट है ना, इधर से ये देखें, ये लाइट आगे वाली जल गई। अच्छा, इसका सिस्टम इधर है लाइट वाला? जापानी गाड़ी का इस साइड पे ही होता है। होंडा सिविक का तो इधर है ना, वो पाकिस्तानी है ना। सही हो गया। एसी फंक्शन है ये इधर है, एसी वाला फंक्शन। ये देखे ना सारे ऊपर सब शोर है, रेडियो मेडियो टेलीफोन सेटिंग वगैरह। पाकिस्तानी गाड़ियां वो टच होती है ना। हाँ जी, हाँ टच होती है। ये इधर से ऐसे सही हो गया, मतलब ये टच नहीं है जी। ये कार, ये टेलीफोन, रेडियो, जिस पर आप क्लिक करेंगे उधर पहुंच जाएगी। ठीक है, सही हो गया। अब एसी वाले ये ड्राइव, ये एसी ऑफ ऑन, सीट वाली पार्किंग, सब कुछ इधर इसके फंक्शन है। मतलब इसका इधर नहीं है, इधर नहीं है, इस इधर इधर बस रिवर्स, बस रिवर्स न्यूटर और ड्राइव, ड्राइव बाकी ड्राइव सिलेक्ट बाकी सब इधर है। मतलब गियर वाला सिस्टम सारा इधर रखा हुआ है। सही हो गया। माशाल्लाह, इंटीरियर बहुत प्यारा है इसका यार। माशाल्लाह, गाड़ी बहुत प्यारी है यार, गाड़ी बहुत प्यारी है। इसके अंदर फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे हैं, लेकिन अभी आपको अच्छी तरह नहीं बता सकते क्योंकि भाई को भी काम है। उसके अलावा गाड़ी अपनी नहीं है ना। मेरा दिल करता है यार मैं न्यू न्यू गाड़ियों में बैठूं, न्यू न्यू गाड़ियों का रिव्यू करूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं करूं फिर ऐसे, मतलब जो भी गाड़ी, जैसे हमारे गाँव में कुछ गाड़ियाँ हैं, उसके अलावा किसी दोस्त की गाड़ी हो बंदा उसका रिव्यू कर देता है। तो इस तरह मेरा दिल कर रहा था ऑडी के ऊपर रिव्यू करने को, लेकिन अभी अपनी नहीं है तो ज़्यादा चीज़ें भी नहीं मैं आपको खुल के, मतलब टाइम नहीं है इतना। उसके अलावा कार भी अपनी नहीं है, चला के नहीं दिखा सकते ना। ये ठीक होने के लिए आई है, तो अभी चलें फिर जी। आप जरा अपना काम कर लें, ये ना उधर उस्ताद से फांडा प्या हो। एक और इसकी मजेदार चीज़ है होंडा स्विक का, ये जो है ना, ये ऐसे निकल जाता है और ये पूरा ऐसे उठा के फिर खुलता है, चारों डोर ऐसे खुलते हैं, वो लाइट बंद इनकी। चलते हैं घर। हमारी रानी का वो बता रहे थे कि एक छोटा सा, वो क्या कहते हैं उसका नाम भूल गया, वो मतलब वो अगर मिल गया लादा तो फिर 1,00,000 नहीं लगेगा, फिर कम पैसे लगेंगे। अगर वो नहीं मिलता तो फिर हमें पूरी की पूरी किट लेनी पड़ेगी, तो फिर 1,00,000 रुपये खर्चा आएगा। तो उसके अलावा मेरा आज ख्वाब भी पूरा हो गया है ओडी के ऊपर बैठना था। उस दिन जब आए थे ना, उस दिन भी मैंने देखी थी लेकिन मैं नज़दीक नहीं गया। तो अभी इधर एक मेरा दोस्त बन गया ना, तो उसे मैंने आज कह ही दिया यार मुझे ओडी में बैठना है, तो उसने कहा चलो बैठो। चलो जी, ख्वाब तो पूरा हुआ ना, दिल खुश हो गया, आज तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो अभी हमें रानी मिलेगी जी मंडे को, आज हफ्ता है, कल इतवार है और परसों मंडे, मंडे को हमें हमारी रानी मिल जाएगी इंशाल्लाह ठीक हो के। अगर सियालकोट में किसी के पास गाड़ी है ना न्यू, मतलब कोई अच्छे फ्यूचर वाली, तो जेह पेंट 786 के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप लोग उधर मैसेज करें तो फिर मैं इंशाल्लाह गाड़ी का रिव्यू करूंगा। ये नहीं कि एक ही गाड़ी का बार बार रिव्यू, अलग अलग गाड़ियां जैसे होती हैं। अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं, शाम हो गई है और हम लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं। घर हम लोग पहुंच गए हैं। शाम का टाइम है और आप लोग इधर चेक करें कितना प्यारा सीन है। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।